हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। आई विल क्लियर यू बुकवर्क ऑफ लेसन 14 द क्लेवर पोइट इन दिस वीडियो। अब्दुल वाजा। अब्दुल कौन था? अब्दुल एक पोइट था, अब्दुल एक कवि था। अब्दुल रोट अ पोयम ऑन। अब्दुल ने पोयम किसके ऊपर लिखी? खिलाफ मतलब खलीफा के ऊपर उसने पोयम लिखी थी। अब्दुल वाजा, अब्दुल कैसा था? पुअर था, वो स्टार्टिंग में वो गरीब था। एट द बिगनिंग अब्दुल आस्क ओनली फॉर अ, शुरू में अब्दुल ने किस चीज़ के लिए कहा? उसने एक हाउंड, एक मतलब जो हाउंड शिकारी कुत्ता मांगा था। स्टार्टिंग में अब्दुल ने खलीफा से एक कुत्ता मांगा था। खिलफ प्रोवाइड अब्दुल्ला, खलीफा प्रोवाइड अब्दुल्ला, खलीफा ने अब्दुल को हॉर्स प्रोवाइड करवाया। ट्रू फॉल्स, अब्दुल वाजा हंटर, अब्दुल एक शिकारी था, अब्दुल शिकारी नहीं था, अब्दुल पोइट था, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आएगा। अब्दुल रोट अ पोएम फॉर द खलीफा, अब्दुल ने खलीफा के लिए पोएम लिखी थी। यस, अब्दुल ने खलीफा के लिए पोएम लिखी थी। अब्दुल आस्क्ड फॉर अ कैसल एज ए रिवार्ड, अब्दुल ने रिवार्ड के लिए महल मांगा था। कैसल मीन्स होता है महल। अब्दुल ने स्टार्टिंग में महल मांगा था, नहीं, अब्दुल ने स्टार्टिंग में एक हाउंड, एक शिकारी कुत्ता मांगा था, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आएगा। द खिलफ वाज नॉट हैप्पी विद अब्दुल, जो खलीफा था वो अब्दुल से हैप्पी नहीं था, हैप्पी था, इसलिए यहाँ भी फॉल्स आएगा। द खलीफ गेव अब्दुल ऑल डैट ही आस्क्ड फॉर, जो खलीफा था उसने अब्दुल को वो सारी चीज़ें दे दी जो उसको चाहिए थी, बिल्कुल दे दी थी उसने सारी चीज़ें। यहाँ ट्रू आएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हु वाज अब्दुल, अब्दुल कौन था? अब्दुल वाजा पुअर पोइट, अब्दुल एक गरीब कवि था। वाज ही रिच या पुअर, वो अमीर था या गरीब था? वो पुअर था, गरीब था। ऑन डे व्हाट डिड अब्दुल राइट, अब्दुल ने एक दिन क्या लिखा था? अ ब्यूटीफुल पोएम, एक दिन अब्दुल ने एक सुंदर सी पोएम लिखी थी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड अब्दुल से टू द खलीफा टू गेट अ हॉर्स, व्हाट डिड अब्दुल ने क्या कहा खलीफा को हॉर्स को प्राप्त करने के लिए? अब्दुल ने कहा दिस फेथफुल एनिमल वुड बी ऑफ नो यूज फॉर हंटिंग विदाउट अ हॉर्स, जो ये फेथफुल एनिमल है इसका हॉर्स के बिना हम हंटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड खलीफा आस्क अब्दुल आफ्टर लिसनिंग द पोएम, व्हाट डिड, क्या खलीफा ने अब्दुल से जो अब्दुल की पोएम थी उसको सुनने के बाद खलीफा ने उसे क्या कहा? कहा कि टेल मी ओ गुड मैन, उसने कहा कि मुझे बताओ ओ अच्छे इंसान, मुझे बताओ व्हाट रिवार्ड वुड यू लाइक टू हैव इन रिटर्न फॉर दिस ग्रैंड प्रेजेंटेशन, उसने कहा कि तुमने जो ये सुंदर प्रस्तुति मेरे सामने प्रस्तुत की है इसके बदले में तुम क्या गिफ्ट चाहते हो? टेल मी ओ गुड मैन व्हाट रिवार्ड वुड यू लाइक टू हैव इन रिटर्न फॉर दिस ग्रैंड प्रेजेंटेशन, इस सुंदर प्रस्तुति के बदले में तुम क्या रिवार्ड चाहते हो? मेक सेंटेंस यूजिंग द फ्लोइंग वर्ड्स, फ्लोइंग वर्ड्स का यूज करते हुए हमें सेंटेंसेज बनाने हैं। प्रोवाइडेड, ही इज प्रोवाइडेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, उससे बहुत सारी थिंग्स प्रोवाइड करवाई गई। ग्रेटफुल, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ग्रेटफुल रहूंगा। कोरियर्स, आई एम वेरी कोरियर्स अबाउट हिम, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। फ्लैटरी, दिस पोएम इज फुल ऑफ फ्लैटरी, फ्लैटरी होता है चापलूसी, जो ये पोएम थी ये चापलूसी से भरी हुई थी। आगे चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग टू, रजत इज सो लेजी डैट ही कैन नॉट सक्सेड, रजत इज टू लेजी, यहाँ पर टू पहले आएगा, रजत इज टू लेजी टू सक्सीड, दिस बुक इज सो हैवी डैट नो वन कैन लिफ्ट इट, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड बाय एनीवन, ये बॉक्स बहुत ही ज़्यादा हैवी है किसी के उठाने के लिए, मतलब इसको कोई उठा नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। दिस हाउस इज टू स्मॉल, ये जो घर है बहुत ही छोटा है फॉर अस टू लिव, यहाँ पर कोई रह, मतलब इनको इन्होंने कहा कि दिस हाउस इज सो स्मॉल, ये घर बहुत ही छोटा है, डैट वी कैन नॉट लिव हेयर, हम यहाँ रह नहीं सकते। इसको हमने जब चेंज किया तो टू का यूज करते हमने चेंज करना था, तो हमने चेंजिंग करके लिखा है दिस हाउस इज टू स्मॉल, ये घर बहुत ही छोटा है फॉर अस टू लिव, हम यहाँ पर रह नहीं सकते। दिस लेसन इज टू लेंथी, ये लेसन बहुत ही लेंथी है, टू बी रीड टूडे, आज पढ़ने के लिए ये लेसन बहुत ही लेंथी है। आगे देखिए, हमने इसमें एडजेक्टिव बनाने हैं, एडजेक्टिव में हमें एल वाई लगाना होता है, एक्सीडेंट एक्सीडेंटल, ओकेजन ओकेजनल,
पर्सन पर्सनल, ऑर्नामेंट ऑर्नामेंटल, नेचर नेचुरल, सोसाइटी सोसाइटल, एजुकेशन एजुकेशनल, प्रोविजन प्रोविजनल. ओके, हैव अ नाइस डे.